हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम और आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं सोलो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके जरिए इकोनॉमिस्ट किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं तो सोलो ने जो मॉडल दिया है दैट लुक्स एट लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ यूजिंग अ मैथमेटिकल मॉडल तो जो भी मैथमेटिकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये मॉडल बट स्टिल इट इज क्वाइट अंडरस्टेंडेबल एंड एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको एक एक जो मैथामेटिकल कंसेप्ट है वो आपको मैं क्लियर कर सकू इन फैक्ट क्रिस्टल क्लियर कर सकू तो सोलो ने जो मॉडल दिया मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में इन हिज बुक अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक थिंकिंग के लिए एक मैसीब कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है एंड इज इट इज द बेसिस फॉर मॉडर्न थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और इस मॉडल के लिए उनको 1987 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है चलिए बात करते हैं सोलो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोलो क्या कहते हैं कि ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ कैपिटल एंड लेबर इनपुट्स आइडियाज एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन सारे फैक्टर्स की वजह से ग्रोथ होती है यानी किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ये सारे फैक्टर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं तो सोलो का जो मॉडल दैट इज एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल जिसमें रेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस है दैट इज गिवन एक्सोजीनियसली एंड दिस मॉडल रिप्रेजेंट चेंजेस इन आउटपुट ड्यू टू चेंजेस इज लेबर कैपिटल अक्यूमुलेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस यानी इन सभी इनपुट्स में चेंज आने की वजह से किसी भी इकोनॉमी के नेशनल आउटपुट में किस तरीके से चेंजेस आएंगे ओवर टाइम उसकी बात करता है सोलो मॉडल जैसे आप ग्रोथ रेट को लॉन्ग रन ये आपको ध्यान रखना है कि जो सोलो मॉडल है वो लॉन्ग रन ग्रोथ रेट की बात कर रहा है शॉर्ट रन के लिए तो लॉन्ग रन ग्रोथ रेट को आप एक बेसिकली आउटपुट की तरह कंसीडर कर सकते हैं तो उसमें चेंजेस कैसे आएंगे ये हमारे वेरिएबल्स रह सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट चेंज जो कि लेबर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है सेविंग रेट जिसके ऊपर हमारा कैपिटल अक्यूमुलेशन डिपेंड करता है एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तो ये सारे वेरिएबल्स हैं इन वेरिएबल्स में चेंज आने की वजह से जो हमारा आउटपुट है जो हमारी ग्रोथ रेट है उसमें चेंजेस कैसे आएंगे ओवर टाइम तो उस सारे प्रोसेस के ऊपर वर्कआउट करता है हमारा सोलो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए बेसिक बेसिक्स टर्म में आप समझ लीजिए सोलो मॉडल क्या कहता है कि आप इन कैपिटल इंक्रीज करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ती है फॉर एग्जांपल आपके पास दस इम्प्लॉयज है उनके पास तीन प्रिंटर है आप डिसाइड करते हैं कि आपको सात प्रिंटर और खरीद लेते हैं ताकि हर इम्प्लॉय के पास एक एक प्रिंटर हो ऑब्वियसली बात है आउटपुट इंक्रीज होगा देन यू डिसाइड कि आप दो प्रिंटर और खरीद लीजिए ठीक है जो आउटपुट आपका इंक्रीज हो सकता है कि आपके इम्प्लॉयज है वो मल्टीटास्किंग है फिर आप डिसाइड करते हैं कि दो इनफ नहीं आपको पांच और खरीदने हैं तो उस टाइम पे क्या होगा यू डोंट सी अ सिग्निफिकेंट चेंज इन आउटपुट क्योंकि कोई ऐसे हमारे पास एक्स्ट्रा प्रिंटर रखे हुए कि कोई उनको यूज नहीं कर रहा है सिमिलरली ऐसे ही सेविंग बढ़ाने से या इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से नेशनल ने इनकम बढ़ेगी लेकिन वो क्या होगी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ेगी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर उसके कोई इफेक्ट्स नहीं होते हैं लॉन्ग तो रन में जो कोई भी इकोनॉमी है वो कैसे ग्रो करती है तो उसकी बात उस पर मेन फोकस डालता है हमारा सोलो मॉडल चलिए तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ जाने से पहले कुछ हमारे बेसिक से कंसेप्ट है जो हमें क्लियर होने चाहिए सबसे पहले आता है कांस्टेंट पॉपुलेशन ग्रोथ दैट इज की जो लेबर फोर्स है या पॉपुलेशन है जो कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल से दैट ग्रोज एट कांस्टेंट रेट एन राइट ग्रोथ रेट इन लेबर फोर्स या पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंट बाई डेल्टा एल बाई एल दैट इज इक्वल टू एन एन रेट पे वो कॉन्स्टेंट रेट है जिसपे वो ग्रो कर रही है दैट इज पॉजिटिव राइट सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है आई से दैट इज द चेंज इन कैपिटल यानी आई इज इक्वल टू डेल्टा के एंड जो डेप्रिशिएशन होता है कि आप जो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो भी मशीनों की टेरिंग वेयरिंग जो भी होता है टूट फूट होती उसको है उसको डेप्रिशिएशन बोलते हैं एंड दैट इज अगरिंग एट अ रेट ठीक है तो डेल्टा के इज इक्वल टू आई तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक में जो भी चेंज होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई नेट इन्वेस्टमेंट ओके नेक्स्ट वन इज सेविंग सेविंग इज इक्वल टू जो हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जो आइडेंट में लेके चलते हैं आइडेंटिकल सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग इज अ कांस्टेंट फ्रैक्शन एस ऑफ वाई जो नेशनल इनकम का कुछ परसेंटेज एक कांस्टेंट फ्रैक्शन है कांस्टेंट परसेंटेज है, है जिसको हम सेविंग सेविंग में लेके चलते हैं तो एस इज इक्वल टू स्मॉल एस यहां पे है स्मॉल एस वाई राइट ये सब आइडेंटिटी हम अपने मैथमेटिकल मॉडल में यूज करने वाले हैं नेक्स्ट इज एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन दैट इज वाई इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर दैट इज फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब कि आप जिस रेशो से जिस प्रोपोर्शन से आप इनपुट को बढ़ाएंगे इंक्रीज करेंगे उसी प्रोपोर्शन से आपका जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज होगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेबर और कैपिटल को डबल कर देते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो भी डबल हो जाएगा तो ये हमारा एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन है राइट right? नेक्स्ट इज कंजप्शन दैट इज इक्वल टू वाई माइनस एस नेशनल आउटपुट माइनस सेविंग यहाँ पे आप देखो एक आइडेंटि हमने यूज किया वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई दैट इज कि इनकम हमारी वन गुड इकोनमी जिसमें एक ही गुड प्रोड्यूस की जाती है एक वही कंज्यूम कर ली जाती है तो वाई इज इक्वल टू इनकम इज आइडेंटिकली इक्वल टू एग्रीगेट कंजप्शन एंड एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट राइट तो ये आइडेंटी भी हम यूज करेंगे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फुल इंप्लॉयमेंट रहेगा जो लेबर और कैपिटल है दैट uh, जो भी रिसोर्सेज हमारे हैं वो फुल इंप्लॉयड है क्लॉज इकॉनॉमी काफी सारे एजम्शन क्लॉज इकॉनमी है एक्सटर्नल ट्रेड नहीं है इकोनॉमी तो ये भी सोलो अपने मॉडल में यूज करता है एज एन एजम्पन नेक्स्ट इस इंटेंसिव फॉर्म की कुछ कंसेप्ट हमने जो अमाउंट है हमने पर कैपिटल टर्म्स में यूज किए हुए हैं जिनको इंटेंसिव फॉर्म बोलते हैं लोअर केस लेटर से हम उसको यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे आउटपुट पर हेड है या आउटपुट पर जिसको बोल सकते हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड स्मॉल वाई वाई ठीक है स्मॉल इज इक्वल टू वाई बाई एल आउटपुट पर हेड आउटपुट पर कैपिटा नेक्स्ट इज कैपिटल पर हेड को हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल के से दैट इज कैपिटल पर हेड कैपिटल पर कैपिटा के बाई एल कैपिटल लेबर रेशियो भी जिसको बोल रहे हैं हम नेक्स्ट इज कंजप्शन पर हेड दैट इज बाय शॉन बाय स्मॉल सी दैट इज सी बाय एल यानी कंजप्शन पर हेड या कंजप्शन पर कैपिटा तो इंटेंसिव फॉर्म में हमने अपनी टर्म्स यूज की हैं पर कैपिटा टर्म्स में हमने अपनी कंसेप्ट वो यूज की हैं तो so, इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होगा इंटेंसिव फॉर्म में दैट इज स्मॉल वाई इज वाइज फंक्शन ऑफ के दैट के यहाँ पे क्या है हमारा कैपिटल लेबर रेशो स्मॉल वाई इज आउटपुट पर हैड यानी आउटपुट पर हैड इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल पर हैड राइट मैथमेटिकली डेरिवेशन भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन था दैट वॉज वाई इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर तो इसको हमने इंटेंसिव फॉर्म में कैसे डिराइव किया दोनों साइड एल से डिवाइड कर दीजिए वाई बाई एल हो जाएगा हमारा स्मॉल वाई यानी आउटपुट पर हेड यहां एल से डिवाइड करेंगे तो के बाई एल एल बाई एल एल बाई एल इज इक्वल टू वन के बाई एल हमारा क्या है दैट इज कैपिटल लेबर एश्यू जिसको स्मॉल इंटेंसिव फॉर्म में क्या बोलते हैं हम स्मॉल के से दिखा रहे हैं कैपिटल लेबर एश्यू को या कैपिटल पर हेड स्मॉल के तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ़ कैपिटल लेबर आउटपुट पर हैड इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल पर हैड राइट इसी को हमने प्रोडक्शन फंक्शन को डायग्राम से दिखाया है जिसमें क्या दिखाया हुआ कि आउटपुट पर इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर रेशू ये हमारा एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन है जो कौन सी कंडीशन फॉलो करता है कि जब कैपिटल लेबर रेशू हमारा जीरो है तब हमारा आउटपुट भी जीरो है ठीक है सेकेंड वन इज जब कैपिटल बढ़ती है तो हमारा आउटपुट भी बढ़ता है यानी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है कैपिटल की दैट इज पॉजिटिव फॉर ऑल कैपिटल लेबर इश्यू थर्ड प्रॉपर्टीज की जब ये देखो बढ़ने के साथ जब हमारा के बढ़ रहा है कैपिटल लेबर इश्यू बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो फ्लैट होता जा रहा है इट मीन्स डिमिनिशिंग रिटर्न टू कैपिटल पर वर्कर की जैसे जैसे आप पर वर्कर कैपिटल का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है कैपिटल की वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी एक एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती हैं यही होती हैं कि जीरो पे जब हमारे केस जीरो है कैपिटल लेबर इश्यू जीरो है तो हमारा आउटपुट भी जीरो है दैट इज किसी फर्स्ट डेरिवेशन है तो वो हमारा पॉजिटिव है यानी जब हम uh, कैपिटल लेबर इश्यू को बढ़ाएंगे तो हमारा जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है दैट इज पॉजिटिव वो इंक्रीज होगी बट किस पे डिक्रीजिंग रेट पे के बढ़ने के साथ साथ uh, कैपिटल लेबर इश्यू बढ़ने के साथ साथ हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन फ्लैट होता जा रहा है कि इंक्रीज हो रही है बट डिक्रीजिंग रेट पे तो सेकंड डेरिवेटिव है जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव वो क्या है नेगेटिव है राइट right? तो ये है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन चलिए अब मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं जो बहुत इजी है बहुत अंडरस्टैंडेबल है आपने पीछे कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं क्लियरली कि किस किस चीज को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है तो उन्हीं टर्म्स को हम उन्हीं कंसेप्ट को हमारे मैथमेटिकल डेरिवेशन में हम यूज कर रहे हैं चार स्टेजेस के अंदर मैंने पूरे मॉडल को एक्सप्लेन किया है फर्स्ट वन इज की वन गुड इकोनॉमी जिसमें एक ही गुड प्रोड्यूस की जा रही है कंज्यूम की जा रही है वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंज़प्शन एग्रीगेट कंज़प्शन प्लस एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट दोनों साइड हमने एल uh, से डिवाइड किया वाई बाई एल क्यूंकि हमने इंटेन्सिव फॉर्म में अपने क्वेश्चन को लेके आना है ठीक है सी बाई एल आई बाई एल वाई बाई एल इज इक्वल टू वाई हमें पहले यूज कर चुके हैं ये फॉर्म c बाई एल इज इक्वल टू दैट इज सी बाई एल आई बाई एल तो y क्या हमारा फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर रेशू जो कि हम पहले अपने दिखा चुके हैं तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर थर्ड एफ के इज इक्वल टू सी बाई एल प्लस आई बाई एल तो ये फर्स्ट इज क्लियर देखिए स्मॉल के क्या है हमारा कैपिटल लेबर रेशू अगर जो कैपिटल स्टॉक के एंड लेबर फोर्स एल अगर दोनों सेम रेट पे ग्रो कर रहे हैं चेंज इन कैपिटल स्टॉक चेंज इन लेबर फोर्स अगर वो इक्वल है सेम रेट पे ग्रो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो हमारा चेंज इन कैपिटल लेबर रेशियो का क्या होगा वो जीरो होगा क्योंकि सेम रेट से कैपिटल बढ़ रही है सेम रेट से हमारा लेबर बढ़ रहा है तो कैपिटल लेबर रेशियो में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है तो जीरो है अगर हमारा कैपिटल स्टॉक कंपैरेटिवली लेबर फोर्स के हमारा ज्यादा रेट पे इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में हमारा जो कैपिटल लेबर इशू है चेंज इन कैपिटल लेबर इशू है ग्रोथ इन कैपिटल लेबर इशू क्या होगी पॉजिटिव होगी क्योंकि ये ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है जो हमारा नोमिनेटर uh, है सॉरी uh, नोमिनेटर है जो हमारा वो तेजी से इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारा पॉजिटिव होगा अगर हमारा डिनोमिनेटर जो हमारा एल है अगर हमारा चेंज uh, इन जो लेबर uh, फोर्स है वो ज्यादा है अगर कैपिटल स्टॉक के बजाय तो हमारा जो चेंज इन कैपिटल लेबर रेशो क्या होगा नेगेटिव होगा राइट और यू कैन से रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द कैपिटल लेबर रेशियो दैट मस्ट इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द डेल्टा के बाई के एंड डेल्टा एल बाई एल इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल हमारा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल लेबर इश्यू होता है दोनों बराबर होंगे तो जीरो होगा ये ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव होगा और अगर ये ज्यादा होगा तो ये नेगेटिव होगा राइट अब हम क्या जूम करके चले थे हमारे एज्शन में कि जो लेबर फोर्स है वो एक रेट एन पे ग्रो कर रहा है तो इसकी जगह हम यहाँ पे इक्वेशन में एन यूज करेंगे तो डेल्टा के बाई तो के स्मॉल केम इज इक्वल टू डेल्टा के बाई के माइनस एन राइट क्वेशन नंबर फोर अब दोनों साइड हम स्मॉल के जहां पर इंटेंसिव फॉर्म है तो इंटेंसिव फॉर्म यूज करेंगे जहां पे ये हमारे कैपिटल लेटर्स है तो के स्मॉल के इज इक्वल टू के बाई एल यानी कैपिटल लेबर इश्यू दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलता है देखिए हमें देखिए मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो हमें मिलता है डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा के बाई एल माइनस एन के यानी इसको हमने रीअरेंज किया डेल्टा के तो ये साइड चला जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये क्वेश्चन नंबर फाइव हमें मिल गई थी हमारी सेकेंड स्टेज राइट अब यहाँ पे डेल्टा के क्या था हमारा नेट चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज इक्वल टू तो नेट इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम आई यूज करेंगे आई बाई टू डेल्टा स्मोल के प्लस एन के ठीक है अब इक्वेशन थ्री को देखिए आप एक बार ये वाली इक्वेशन थ्री जो थर्ड नंबर इक्वेशन थी हमारी ये थी इसको हम रीराइट कर रहे हैं दैट इज एफ के जगह पे जो अभी आइडेंटिटी हम लेके आए हैं डेल्टा के प्लस एन के उसको हम यूज कर रहे हैं दैट इज क्या हमें मिलता है एफके इज इक्वल टू सी बाई एल प्लस डेल्टा के प्लस एन के ये हमारी इक्वेशन नंबर सिक्स जो क्या दिखा रही है देखिए कि जो आउटपुट पर हेड है दैट इज अलोकेटिंग टू थ्री यूजेस कौन कौन से यूज में अलोकेट कर रहे हैं उसको हम पहला सी बाई एल यानी कंजप्शन पर हेड दूसरा है डेल्टा के दैट इज क्या है कैपिटल डीपनिंग जिसको बोलते हैं यहाँ पे दो कंसेप्ट यूज हुए कैपिटल डीपनिंग एंड कैपिटल वाइटनिंग कैपिटल डीपनिंग क्या होता है जो एक्चुअल में हमारे कैपिटल लेबर रेशो को इंक्रीज करता है यानी ये देखो के बाई एल डेल्टा के क्या है कैपिटल लेबर रेशो यानी कैपिटल लेबर रेशो में चेंज हुआ है यानी दैट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ कैपिटल पर वर्कर पर वर्कर कैपिटल को बढ़ाना अमाउंट ऑफ कैपिटल को बढ़ाना दैट इज कैपिटल डीपनिंग नेक्स्ट इज एन के ये क्या है हमारा लेबर फोर्स की जो ग्रोथ रेट है वही है कैपिटल वाइडनिंग क्या होती है दैट इज इक्विंग इक्विपिंग ऑफ न्यू वर्कर्स विद कैपिटल एज द पॉपुलेशन ग्रोस यू कैन से अ पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट विच मेंटेन्स द कैपिटल लेबर रेशू कॉन्स्टेंट इन द फेस ऑफ अ ग्रोइंग लेबर फोर्स कि हमारा जो लेबर फोर्स है वो बढ़ रही है तो कैपिटल लेबर रेशू को मेंटेन करने के लिए जो हम कैपिटल बढ़ाते हैं बेसिकली हम नए वर्कर्स को जो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल वाइटनिंग ताकि हमारा कैपिटल व्हाइटनिंग सेम रहे कांस्टेंट रहे तो तीन यूजेस में हमारा जो आउटपुट पर हेड है वो अलोकेट हो रहा है अब इक्वेशन नंबर सिक्स को हम रीअरेंज कर रहे हैं सी बाई एल सी बाई एल की जगह पे हमने यूज किया आ, सॉरी हमने डेल्टा के की, की वैल्यू निकाली वाई बाई एल एफ के की जगह पे वाई बाई एल हम पीछे देख चुके हैं दैट इज आउटपुट पर हेड वाई बाई एल माइनस सी बाई एल माइनस एन के उधर चला गया ठीक है तो वाई बाई एल माइनस सी बाई एल वाई माइनस सी क्या था वाई क्या था हमारा वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस या सी प्लस आई इसको हम यूज कर रहे थे तो वाई माइनस सी क्या हो जाएगा हमारा एस हो जाएगा तो वाई बाई एल माइनस सी बाई एल दैट इज एस बाई एल माइनस एन के दउटपुट कैपिटल लेबर चेंज इन कैपिटल लेबर रेशो वी आर ऑलमोस्ट डन तो डेल्टा के इज इक्वल टू एस की जगह पे हमने यूज किया द एस हमारी सेविंग क्या थी अ कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन ऑफ नेशनल आउटपुट एस स्मॉल एस एंड वाई स्मोल एस वाई बाई एल माइनस एन के तो वाई बाई एल हमारा क्या होता है स्मॉल वाई तो डेल्टा के इज इक्वल टू एस वाई माइनस एन के दैट इज द फंडामेंटल इक्वेशन रिक्वायर्ड फॉर स्टडी स्टेट ऑफ ग्रोथ बाई सोलो जो क्या दिखा रही है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ के इज डेटरमाइंड बाय द डिफरेंस बिट्वीन अमाउंट ऑफ सेविंग पर वर्कर एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज रिक्वायर टू कीप द कैपिटल लेबर रेस्यू कॉन्स्टेंट एज लेबर फोर्स ग्रोथ यानी कैपिटल वाइडनिंग जो हमने यूज किया था इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल है हमारा ये डिटरमाइन होती है हमारी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ या रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल लेबर रेश्यू अभी हम डायग्रामेटिकली हम मॉडल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बेसिकली दो फंडामेंटल प्रोपोजिशन है न्यूकोलॉसिकल ग्रोथ मॉडल की सोलो के मॉडल की कि हमेशा एक इकोनमी के लिए या मॉडल के लिए किसी भी इकोनमी के लिए एक बैलेंस्ड ग्रोथ सॉल्यूशन वो एग्जिस्ट करता है और वो स्टेबल होता है मतलब कि वट एवर द इनिशियल वैल्यूज उसकी कोई भी वेरिएबल है उसकी कोई भी इनिशियल वैल्यू कि इकॉनमी एट द एंड क्या होगी स्टडी स्टेट ऑफ ग्रोथ की तरफ इकोनमी मूव करेगी एक बैलेंस्ड ग्रोथ रेट की तरफ इकोनॉमी कन्वर्स करेगी मूव करेगी देखिए कैसे देखते हैं यहां पे हमने प्रोडक्शन फंक्शन जो हम ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं वो हमने प्रोडक्शन फंक्शन लिया है द लाइन एनके रिप्रेजेंट कैपिटल वाइडनिंग पर कैपिटा या जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो कैपिटल लेबर इश्यू को कांस्टेंट रखता है जब हमारी लेबर फोर्स ग्रो हो रही है उस केस में इन दोनों का डिफरेंस है इन दोनों के डिफरेंस एनके एस वाई सॉरी उससे पहले एस वाई है ये हमारा है सेविंग पर हेड या सेविंग पर कैपिटा तो एस वाई माइनस एनके इन दोनों का डिफरेंस क्या है कैपिटल डीपनिंग पर कैपिटा या आ, आ, डेल्टा के जिसको आप बोल सकते हो स्मॉल के ठीक है या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो जो ऑलरेडी हमने इक्वेशन यूज की थी स्मॉल के दैट इज एस वाई माइनस एन के राइट तो इन दोनों का डिफरेंस इसको हम कैपिटल डीपनिंग भी बोल सकते हैं अब सोलो कहते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर हमेशा इकॉनमी के अंदर या इकोनॉमी है वो स्टडी स्टेट ग्रोथ की तरफ मूव करती है देखिए अब स्टार पे देखते हैं के स्टार पे एस वाई और हमारा एन के दोनों क्या है इक्वल है यानी डेल्टा के ये क्या आएगा हमारा जीरो आया क्योंकि दोनों की वैल्यू है दोनों एक बिल्कुल इक्वल है तो ये हमारा क्या आ जाता है जीरो आता है यानी जो कैपिटल लेबर रेश्यू है जीरो होने का मतलब क्या हुआ कैपिटल लेबर रेश्यू कॉन्स्टेंट है यानी सेम की जो कैपिटल uh, है और लेबर है वो दोनों सेम रेट से ग्रो कर रहे हैं अब जैसा कि हमें पता है कि लेबर फोर्स तो एन रेट पे ग्रो कर रहा है इट मीन्स कैपिटल भी सेम रेट पे ग्रो करना चाहिए एन पे ही राइट right? जैसा कि हम जानते हैं कि इकोनमी प्रोडक्शन फंक्शन कैसा है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल तो उस केस में अगर हमारा जिस रेट पे हमारे जो इनपुट्स ग्रो कर रहे हैं उसी रेट पे हमारा जो आउटपुट है वो भी ग्रो करेगा अब कैपिटल स्टॉक भी एन रेट से और जो लेबर फोर्स है वो भी एन रेट पे ग्रो कर रहा है इट मींस जो हमारा नेशनल आउटपुट है वो भी किस रेट पे ग्रो करेगा एन रेट पे ग्रो करना चाहिए राइट right? इट मीन्स कि जो कैपिटल लेबर रेशियो कांस्टेंट होता है तो जो भी रेलिवेंट हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो सारे सेम रेट पे ग्रो करते हैं यानी जो हम लेके चले कांस्टेंट रेट एन कि लेबर भी उसी रेट पे ग्रो कर रहा है आउटपुट भी सेविंग इन्वेस्टमेंट कैपिटल स्टॉक सभी सेम रेट पे ग्रो करते हैं तो इस कैपिटल रेशियो पे जो हमारी रिक्वायर्ड जो हमारी ग्रोथ होगी लॉन्ग रन ग्रोथ होगी दैट इज वाई स्टार राइट अब क्या होगा जब अगर के हमारा जो कैपिटल लेबर रेशियो के स्टार नहीं होगा या तो के वन होगा या के टू होगा उस केस में क्या सिचुएशन होगी

ये वाली सिचुएशन है कैपिटल इज ग्रेटर देन लेबर फोर्स अब जितना अमाउंट कैपिटल का ज्यादा होगा कैपिटल बिकम्स चीपर एज कंपेयर टू लेबर तो लेबर के लिए कैपिटल का सब स्टार्ट हो जाएगा और जो कैपिटल लेबर रेशियो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और मूव करने लग जाएगा के स्टार की तरफ यानी के वन से के स्टार की तरफ कैपिटल रेशियो वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और के स्टार की तरफ मूव करने लग जाएगा राइट सिमिलरली ऐसे ही अगर के टू होता है के टू केस में क्या होता है कि जो चेंज इन कैपिटल स्टोक है दैट इज लेस देन चेंज इन लेबर फोर्स तो उसमें केस में क्या होगा कैपिटल लेबर रेश्यू है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और के स्टार की तरफ मूव करने लग जाता है So, जो इकोनॉमी है वो जो बैलेंस्ड ग्रोथ हमारी बैलेंस्ड ग्रोथ की तरफ जो स्टेडी स्टेट ऑफ ग्रोथ है उसकी तरफ इकोनमी मूव करना स्टार्ट कर देती है लॉन्ग रन के अंदर शॉर्ट रन के अंदर चेंजेस आएंगे बट लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा इकोनॉमी हमेशा कन्वर्स करेगी हमेशा मूव करेगी जो हमारी स्टेडी स्टेट ऑफ ग्रोथ है उसकी तरफ दूसरा हम बात करते सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात करते कि सेविंग का बढ़ने से या इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से क्या इकोनॉमी की ग्रोथ रेट पे कोई चेंज आएगा चलिए देख लेते हैं कि जो हमारा सेविंग कर था हमारा जो उसको हम शिफ्ट कर देते हैं ऊपर की तरफ की सेविंग बढ़ जाती है सेविंग एज अ फ्रैक्शन ऑफ नेशनल इनकम इनक्रीज सेविंग पर हेड है सेविंग पर कैपिटल पर वर्कर है वो बढ़ जाती है शिफ्ट कर देते हैं तो जो हमारा बैलेंस ग्रोथ थी उसके ऊपर सिचुएशन अब देखिए क्या हो जाती है एस वाई इज ग्रेटर देन एन के फिर से वही सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज ग्रेटर देन चेंज इन लेबर फोर्स तो उस केस में हमारा जो कैपिटल लेबर इशू है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि के है वो एल से ज़्यादा है कैपिटल चीपर हो जाती है सब टीजोस स्टार्ट हो जाता है कैपिटल का लेबर के लिए तो कैपिटल लेबर इश्यू फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और कब तक बढ़ता रहेगा जब तक के टू हमें नहीं मिल जाता जहां पे एस वाई और एन के फिर से एक दूसरे के साथ इकलीबिरम में नहीं आ जाते सो यू कैन से डिस्पाइट द इंक्रीज इन द प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ती रहे द लॉन्ग रन जो रेट ऑफ ग्रोथ है दैट इज टोटली अनफेक्टेड बाई प्रोपेंसिटी टू सेव कि जो सेविंग हमारी प्रोपेंसिटी टू तो सेव बढ़ रही है उससे कोई इफेक्ट नहीं आता लॉन्ग रन के अंदर हालांकि जो लेवल ऑफ आउटपुट है या जो लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक है सेविंग है वो हायर होगा बट जो ग्रोथ रेट होगी वो हमारी फाइनली लॉन्ग रन में जो इक्लिबीरियम सिचुएशन है उसी की तरफ कन्वर्स करेगी जहां पे सारे जितने वेरिएबल्स है वो सेम रहे से ग्रो कर रहे हैं तो ये था हमारा सोलो मॉडल जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो किसी भी कंट्री का नेशनल आउटपुट है कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और लॉन्ग रन के अंदर किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कैसे स्टडी स्टेट ऑफ ग्रोथ की तरफ बैलेंस ग्रोथ की तरफ कैसे कन्वर्स करेगी मूव करेगी फाइनली कि जो कैपिटल स्टॉक बढ़ाने से या सेविंग बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ने से शॉर्ट टर्म के अंदर ग्रोथ पे इफेक्ट आ सकता है बट लॉन्ग रन के अंदर वो अनअफेक्टेड रहेगी ग्रोथ रेट वो मूव वो स्टडी स्टेट ग्रोथ जो रेट है उसको अचीव कर लेगी और उसी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी तो ये था हमारा सोलो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर थैंक यू